सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष चंद्र। एक छोटी जी बेनती है या सुजेशन है या एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, किवें भी समझ लो, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिहड़े एस्पिरेंट्स 2022 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लगे ने जी। मैं समझदा कि स्टूडेंट्स इस टाइम पर इनिशियल फेज के हो गए अपनी प्रिपरेशन के, तां करके ये सुजेशन अगर हुण फॉलो किया जाए तो ये जिहड़े रिजल्ट्स ने वो मार्वलस हो सकते हैं जी। मैं कोई भी कोर्स या कोई भी इंस्टीट्यूट या किसी भी चीज़ को प्रमोट कर नहीं आया, एक वैल्यूएबल सुजेशन जो असी हुण तक अनुभव किया नैब तहसीलदार के एग्जाम तो रीसेंटली वह मैं शेयर करूँगा। उस तो पहला मतलब जिहड़ी मेन गल है मैं तुहानू दसना चाहना जी कि आपां पेड कोर्स बाय कर लिया कि सिर्फ पेड कोर्स बाय करन दे नाल अपनी जॉब लग जाती है या जॉब लग जाएगी। स्टूडेंट्स जदों भी जनरली फोन करके पुछते हैं कि सर तो असी थोड़ा यह एक्स कोर्स बाय करना है वाई कोर्स बाय करना है कि यह सफिशियंट रहेगा, हर कोई इंस्टीट्यूट या हर कोई मेंटर यह कहता भी हाँ जी ये सफिशियंट रहेगा, हर कोई मार्केटिंग टीम यह कहती है कि यह बेस्ट कोर्स है जी, ये आह ये आह, तो स्टूडेंट उन्हों की गल मन के कोर्स में बाय कर लेंगे ने। लेकिन सपोज करो किसी भी टीचर ने कोई एक्स कोर्स स्टार्ट करता, ठीक है, वो पेड कोर्स है, तो सिर्फ वह कोर्स वीडियोस देखन नाल की तुहाडी सिलेक्शन हो जाएगी? सिलेक्शन तो छड्डो कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, वह भी छड्ड दो, कि तुहाडा 100% कंटेंट कवर हो जाएगा, 100% सिलेबस कवर हो जाएगा? मैनू परसनली ये चीज़ नहीं लगती कि अगर मैं जिन्ना भी थोनों कोई गल्लां कह दा भी हाँ यह सफिशियंट है यह एवें है, तो 100% नहीं कदे भी पूरा हो सकता, कुछ ना कुछ तो हो रहा ही जाएगा। सिर्फ मैं अगर पेड वीडियोज़ की गल करा, जिवें तुसीं किसी पेड कोर्स गए भी आह सबजैक्ट जी ऐसा शुरू होया उरों शुरू होकर उरे खत्म हो गया, कि ये भी तुसीं 100% कवर करता? मैनू नहीं लगता जी ये चीज़ पॉसीबल है। आपां पेड कोर्स बाय कर ले, लेकिन उदू बाद भी एक चीज़ जिहड़ी मिसिंग है वह की है, राइट डायरेक्शन। कि पेड कोर्स नूं सही तरीके नाल यूटिलाइज किवें करना है, चाहे तुसीं किसी भी इंस्टीट्यूट चो सर, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलैक्ट्रिक इंग्लिश, किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी पेड कोर्स हो उन्होंने सही तरीका की है। तुम एक गल जरूर सुनी होएगी भी अगर दो स्ट्रैटर्जियां ने, एक पासे एक स्टूडेंट एक किताब में फॉलो कर रहा है उन्होंने ही बार बार पढ़ रहा है, एक पासे एक स्टूडेंट पांच किताबों में लग्या हुआ है, वो तो एक किताब पूरी चंगी तरह कवर नहीं हो पा रही, कदे वो आ किताब में एक बार देखने लग जाता है, उदू बाद फिर वो किताब कोई कह देता भी आ किताब देख लिया भाई, आ किताब में दो पन्ने देख ले, फिर तीसरी किताब में देख ले, चौथी में देख ले, वो हौच पौच होकर कुछ नहीं बनता, एक भी कंसैप्ट नहीं क्लीयर हो पाता। यह स्टूडेंट एक किताब में दो बार तीन बार पांच बार उस पर पूरा जोर ला देता है तो ये कंसैप्ट क्लियरिटी इन्नी ज़्यादा हो जाती है कि कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं रह पाता जी। सेम चीज़ उही है, तुम किसी भी मेंटर नू फॉलो करते हो किसी भी पेड कोर्स के तो उन्होंने रिगरसली फॉलो करो जी। रिगरसली का मतलब की है कि जिथे भी वह थोड़ा कहें भी तुम अगर सपोज करो कि कोई कोर्स है, ठीक है, हूँ उस उन्हें थोड़ा कहा टीचर ने थोड़ा कहा मैंटर ने थोड़ा कहा भी आह यूट्यूब सैशन अज अपना होना है भी आह तुम सारे ज्वाइन करो, तुम उस चीज़ में भी जरूर ज्वाइन करो। अगर तो कोई टीचर थोड़ा एक्सट्रा एफर्ट्स ला के थोड़ा कह रहा है भी आह सैशन ज्वाइन करना है, तो यह तुहाडा कर्तव्य या रिस्पोंसिबिलिटी है कि तुम उन्होंने ज्वाइन करो, तुहाडे लिए हो रहा है, वह टीचर का कोई परसनल बेनीफिट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही हैज़ गॉट द फीस, ठीक है, उस हूँ एक्सट्रा बेनीफिट की मिलेगा, उन्होंने कोई बेनीफिट नहीं मिलेगा, बस वो ये चाहता है भी हाँ भी यार हूँ स्टूडेंट मेरे को आ गए तो मेरी जिम्मेवारी है जी चीज़ उत्थे माड़ी मोटी रह गई वो रेवी कवर कर लेने। तो हूँ थोनू जो चीज़ मैं गल दसना चाहना भी तुम कोई भी जिम्मे पेड कोर्स लै लिया तो सिर्फ पेड कोर्स के सहारे ना जेडे वो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब सैशन लगते हैं तो तुम उन्होंने भी फॉलो करो जी, क्योंकि एक मेंटर एक जगह पर थोड़ा 100% नहीं दे सकता, वह कुछ ना कुछ थोड़ा मेजरली थोड़ा सपोज करो 70% थोड़ा ये देता, ठीक है, 30% जो थोड़ा देगा 20% थोड़ा कितने दे देगा यूट्यूब दे देगा जी, तो कुछ 10% 5% थोड़ा किमें देगा जी, तुम डाउट सैशन पूछोगे या फिर किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट पूछ लिया या एक्सट्रा डाउट सैशन लगा ले या तो मॉक टेस्ट के थ्रू तो थोड़ा दसता या रेलीवेंट प्रैक्टिस शीट थोड़ा भेज दियाँ वो थ्रू कुछ पूरा करेंगे, फिर जाके गल बनो कि इस चीज़ को असी कितने रिलाइज किया मैं थोड़े वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन तुम इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर तुम्हें कोई टीचर तुम किसी भी पेड कोर्स के हो अगर तुम यूट्यूब सैशन से इनवाइट किया जाता है तो तुम उन्होंने सैशन जरूर देखो, बाकी अगर तुम होर किसी के पसंद आ रहे हैं तो उन्होंने भी देखो, लेकिन यह मतलब यह नहीं कि जो पेड कोर्स है तुम्हें छड़ दो। हाँ अगर तुम्हें पेड कोर्स का कंटेंट ही नहीं चंगा लग रहा तुम्हें छड़ दिता दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर तुम्हें सारा कुछ वधिया लग रहा है तुम फॉलो भी कर रहे हो उस तो अगर उसका कोई होर एक्स्ट्रा पार्ट है या जिवें कोई यूट्यूब सैशन है या फिर तुम्हें कोई मॉक टेस्ट देता है कोई एक्सरसाइज देती एक्सरसाइज सॉल्व करने कहता कोई होर डिस्कशन चल रही कोई एक्स्ट्रा क्लास लग रही है तुम उन्होंने मिस ना करो सर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, टीचर सोच समझ के ही कुछ स्टार्ट करते हैं। हूँ मैं ये चीज़ कितों कह रहे हैं, नैब तहसीलदार का पेपर होया जी,
नैब तहसीलदार दे विच तुसी देखोगे अस्सियां दे विचों अपने 34 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हुण यह पीपीएससी 360 बैच स्टार्ट किया। ठीक है, हुण की यह सिर्फ बैच के आए हैं कि पेड क्लासिस के आ गए? नहीं, ओबियसली नॉट। कोई क्वेश्चन पेड बैच के आ गया, कोई क्वेश्चन पिछले असं पीपीएससी असाइनमेंट महीने बाद अं शुरू की बैच स्टार्ट करने के बाद असं एडिशनल हैल्प वास्ते कि हाँ यार जो स्टूडेंट साढ़े को आ गए असं उन्होंने तो जोर ला लीए घट्टो घट। ठीक है, चाहे वो किमें भी लाइए तो असं एक्सट्रा एफर्ट्स हमेशा लाने जी। हर कोई इंस्टीट्यूट लाद, हर कोई, मैं नहीं कह रहा कोई असं ज़्यादा कर रहे हैं, अपने वालों हर कोई इंस्टीट्यूट इन्ने एफर्ट्स करता। हूँ तुम देखोगे आह वाले क्वेश्चन किन्ने असाइनमेंट चो क्वेश्चन आ गए, बैच के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर नवंबर के आ गया, सी ए बैच आ गया, ये भी बैच आ गए, बैच 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 के भी आए, लेकिन उन्ने ही क्वेश्चन जो बाद एक्सट्रा एफर्ट्स किए गए 30% जो दिखाया आ 30% एफर्ट्स दिखाए हैं, ये भी इक्वलेंट क्वेश्चन आए। नैब तहसीलदार वास्ते तुम दस्या भी आह लास्ट से एन टी का फ्री क्रैश कोर्स डिजाइन किया, 25 सैशनस दिते, वो चो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हुण तुसी अगर वह स्टूडेंट्स ने अटेंड किए ने तो उन्होंने सोने पर सुहागा हो गया जी, बहुत ज़्यादा वधिया उन्होंने बेनीफिट्स मिले होंगे। लेकिन अगर तुसी वो अटेंड नहीं किए तो अंदरों कितना कितने खुद को कर्स करोगे यार भी हाँ असी तो इन्हों का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर लिया फिर भी नहीं साडा हो पाया, फिर आप टीचर से गुस्सा कढ़ते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन कढ़ते हैं, किसी को माड़ा बोलते हैं, किसी को चंगा बोलते हैं, वो कुछ नहीं होने लगे, वो अपना रिजल्ट चेंज नहीं होने लगे, वो आप पास में चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी गलती तो सीख के उन्हें सही कर सकते हैं, अगर सही डिसीजन लै सकते हैं। तो असी अपने डिसीज असी इस चीज़ तो यह सीखिया कि स्टूडेंट्स में यह चीज़ जरूर दसीए। हूँ जिम्मे स्टूडेंट साढ़े लक्ष्य बैच के बच्चे तो थोड़ू यही सुजैशन आई सब तो वीडी कि सिर्फ तुम जो बैच के पेड वीडियो दिखाई जाएंगी वो सहारे न रह जाओ जी, जी भी चीज़ इलैक्ट्रिक इंग्लिश आने वाले टाइम करूगा 6 महीनों के फॉलो करना, चाहे असं यूट्यूब पर करिए, चाहे थोड़ा असं एडिशनल मॉक टेस्ट दईए, चाहे असं थोड़ा कुछ भी दई, सेम विद अगर तुम किसी भी होर इंस्टीट्यूट में फॉलो कर रहे हो, अगर वो एडिशनल कुछ भी कर रहे हैं तो तुम उन्होंने उत्थे भी फॉलो करना जी, क्योंकि एक टीचर फिर दोबारा दस रहे हैं एक जगह पर 100% नहीं दे सकता, कुछ 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 करके थोड़ा वो जिम्मेवारी होंगी कि पूरा करूगा। मंजिल बैच की अगर मैं गल करा तो शाम को जिहड़ी मैं क्लासी बैच क्लास लग रही है, लेकिन शाम को जिहड़ी क्लास लग रही है यूट्यूब पर उहदे विच भी वह भी उन्नी इंपोर्टेंट आ, असीं कदे इह चीज़ नहीं समझी कि असीं बैच दे विच वधिया कराता या यूट्यूब पर घटिया कराता, यूट्यूब पर वधिया कराता बैच घटिया, असीं ऐं कदे नहीं सोचा। ठीक है, तो इस चीज़ में तुम जरूर समझोगे, आई होप आ यूट्यूब से क्वेश्चन आया हूँ जी, सुपर मॉक ने PYQ बुक क्वेश्चन तो हर कि तो मिल के क्वेश्चन आते हैं जी। ठीक है, हर इंस्टीट्यूट नाल ही एवें है, किसी भी एक चीज़ तो एक सोर्स तो एक चीज़ तो पॉसीबल नहीं है। आई होप कि तुम वीडियो का मोटिव समझ ही गए होंगे, बस यही थोड़ा वीडियो दसना सी, होर तो कुछ नहीं है जी। कोई होर असी सुजैशन देनी होगी, सुझाव देना होगा तो जरूर देवे, चैनल के जुड़े रहो। दिस इज़ पिजनल साइनिंग ऑफ, बाय, ऑल द बेस्ट।